से था इस दल में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूं। पहले दिल में था, अब दल में। सबसे जो सम्मान मिला है और इन्होंने आकर के जो मुझे यहां पे सदस्यता ग्रहण करवाया है, मैं सब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इनका आभारी हूं। और जितने भी लोग यहां पर आए हैं, सब दूर दूर क्षेत्रों से आए हैं, जनता दल यू परिवार से जुड़े हुए हैं, सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मुझ में जो भी शक्ति है, जो भी क्षमता है, वो इस परिवार की उन्नति के लिए, इस परिवार के बेहतरी के लिए और सभी लोगों की बेहतरी के लिए पूरी क्षमता लगाऊं। भगवान ने जो भी बुद्धि दिया है, जो भी क्षमता दी है, वो इसके लिए मैं लगाऊंगा। और पिछले दिनों कुछ मीडिया में कुछ खबरें चल रही थी, कुछ सच कुछ गलत भी था, और कल भी मैं देखा तो वहां भी बीआरएस का कुछ गलत सलत भी चलाया जा रहा था। तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहता हूं और अपना एक छोटा सा परिचय वो दे देना आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा घर आप जानते हैं बिहार शरीफ में है, नालंदा जिले में, पैतृक गांव नालंदा और गया के बॉर्डर पे है। और मेरी जिंदगी शुरुआत हुई है बिहार शरीफ से। बचपन में सरकारी स्कूल जाना शुरू किया तो सबसे पहला स्कूल था बोरा छाप स्कूल बैगनाबाद का, जिसमें हम लोग बोरा लेके जाते थे, अपना गद्दी अपना बचाते थे, और जब भी बरसात होता था तो बोरा ओढ़ के आ जाते थे। तो वहां से जर्नी शुरू हुई और फिर धीरे धीरे मैंने बिहार शरीफ में ही पढ़ाई की, पटना में भी एक डेढ़ साल पढ़ाई की लैला स्कूल में, और फिर बिहार शरीफ के सरकारी स्कूल आदर्श उच्च विद्यालय वहां से पढ़ाई करके मैट्रिकुलेशन किया हूं। उसके बाद साइंस कॉलेज में आने का मौका मिला मुझे, और उसके बाद यहां पे पढ़ाई करके आईआईटी की तैयारी की, और आईआईटी दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ, वहां से इंजीनियरिंग की, और 1996 में आईआईटी से उत्तीर्ण हो गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में थोड़ा जॉब किया और उसके बाद आईएएस की तैयारी की, और 2000 ईस्वी में मैं आईएएस में सिलेक्ट हुआ। 2000 बैच मिला मुझे और साथ ही उड़ीसा का ऑर्डर मिला। तो उड़ीसा जब वहां पे था, करीब 11-12 वर्षों तक उड़ीसा में रहा, 12 वर्षों तक, और वहां की सेवा की। 3 जिलों में मैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। मलकानगिरी जिला जो पहला मेरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरशिप का था वो मलकानगिरी जिला था। उस समय नक्सलिज्म से बहुत प्रभावित था। 3 साल मैंने वहां पर डीएम के रूप में काम किया, और आपको कभी याद होगा कि 2008 के आसपास में डीएम का वहां पे किडनैपिंग हो गया था वहां से, और नक्सलियों ने वहां पे डीएम को किडनैप कर लिया था। उसी जिला में मैंने 3 साल सेवा दी है अपनी, और मेरे लिए बहुत एक अद्भुत क्षण है उस समय का कि पहला डीएमसी पर इस तरह के इलाके में। उसके बाद राइट्स हुआ तो करनवाल में मेरी पोस्टिंग हुई। 1200 में मैं डीएम रहा। 3 जिलों का डीएम रहने के बाद मेरे पिताजी उस समय बीमार थे, और उन्होंने कहा कि बेटा मर जाएंगे तब आओगे बिहार। हम सोचते थे कि बाद में आएंगे, लेकिन उनका जब हुआ तो मैंने डेपुटेशन के लिए ट्राई किया और सरकार से डेपुटेशन अप्रूव हो गया, और 5 साल के लिए मैं बिहार आ गया। तो 2012 में मैं बिहार आया, और यहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी की का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाहर से आया हुआ एक अनजान सा पदाधिकारी को भी उन्होंने पूर्णिया डीएम बनाया, पटना डीएम बनाया, बिजली कंपनी में 3 पदों पर रखा, और अंत में उन्होंने मुझे 2016 में अपना सचिव बनाया, मुख्यमंत्री जी का सचिव, और 21 तक मैं सचिव के रूप में कार्य करता रहा। और 21 में जब डेपुटेशन मेरा खत्म हो गया, मैं जाने ही वाला था, तो फिर लगा कि वहां तो जा रहे हैं और यहां से भी है, मुझे लगा कि अब बिहार में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मैंने मन बनाया
कि मैं यहीं रहकर बिहार की सेवा करूंगा। जीवन में तो पद मिलता उलता रहता है, आईएएस है और बहुत आईएएस का काम मैंने किया भी था, तब तक 21 साल तक नौकरी की थी और उसके बाद मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूं, यहां के लोगों की सेवा में समर्पित करूं, तो इसके लिए मैंने वहां से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया। और उसके बाद जो यहां पर जो लास्ट दो पद है जिसके बारे में मैंने बताया था, पोस्टिंग हुई है, काम कर रहा था। और मैं तो ये कहूं कि पहले दिल से था इस दल में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूं। पहले दिल में था, अब दल में। तो एक तो मन से तो पहले ही से था, मैं जब 2012 में जब आया हूं और उससे पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे सुनने का टीवी में या कहीं भी अवसर मिलता था तो काफी देर तक सुनता रहता था उनको। उनके व्यक्तित्व से कौन नहीं प्रभावित हो सकता है, उनका जो व्यक्तित्व है असाधारण व्यक्तित्व है और जो उनसे प्रेरणा मिलती है वो अद्भुत है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि 8 वर्षों से उनके पास रह करके मुझे जानने सीखने का मौका मिला। और जितने भी यहां पर सीनियर यहां पे हैं सब, इन सब से मेरा इंटरेक्शन रहा है और सबसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और मेरी कोशिश हमेशा होगी कि इस परिवार का सदस्य बन करके, सबका आशीर्वाद लेकर के, सबका सहयोग लेकर के जो कुछ भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसका पालन करूंगा। और सेवा में ये आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैं एक घटना जैसे बता देना चाहता हूं जिसने मेरे जीवन को प्रभावित किया। घटना है 2015 की, सॉरी 2012 की। 2012 में जब बिहार में आया था तो मार्च के समय आया था और 2012 के अगस्त में 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से बोल रहे थे। मैं नीचे बैठ के सुन रहा था और बोलते बोलते उन्होंने कहा, जब बिजली की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं बिजली की स्थिति में सुधार लाऊंगा और यदि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं ला पाया तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने बहुत नेताओं को सुना, बहुत पॉलिटिशियन को सुना, बहुत मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन कभी भी किसी नेता से, किसी लोग से इस तरह की बात कभी नहीं सुनी कि मैं यदि ये काम नहीं करूंगा तो आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मैं कहा कि अद्भुत बात है, एक डेमोक्रेसी में नया चीज है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता जनता से वादा करता है कि मैं ये काम करूंगा और करने के बाद मैं यदि नहीं कर पाया तो आपके सामने नहीं जाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत घटना थी, मन को झकझोर दिया, लगा कि यह संभव है कि 2012 की बात है, 2015 में इलेक्शन होना है, 3 वर्ष में क्या संभव है कि बिजली हो जाएगा। हम लोग लालटेन युग में पैदा हुए, लालटेन युग में पढ़ाई की और लालटेन साफ करते करते ऐसे आईएएस बन गए, तो उस युग का हर बच्चा जानता है कि किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की। और माननीय मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे, वो अद्भुत बात कह रहे थे। और देखिए उनके दृढ़ संकल्प का कि जब 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा, जो बात कही लोगों ने, उस समय बात चल रही थी कि बिजली आई, तो लोगों ने कहा बिजली आई, और जो मात्र 2 वर्षों में उन्होंने पूरा कर दिया और 2015 में। और संयोग की बात है कि मैं डीएम था और डीएम के बाद बिजली कंपनी में था और मुझे ही वो जिम्मेदारी मिली थी उस वक्त। प्रत्यय अमृत थे CMD, हम 3 कंपनी के MD थे और ये काम करने का मुझे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो संयोग उन्होंने दिया, सुयोग दिया, उसके लिए मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। जिस तरह से
बिहार को अंधकार से प्रकाश में लाया है। बिहार क्या था और क्या हो गया, ये सबको देखने और समझने की बात है। उनका सत सत नमन है, वो युग पुरुष है, उनका आकलन अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन भविष्य में जब कोई पीछे मुड़ के देखेगा तो उनका सही आकलन होगा कि बिहार को उन्होंने किस तरह से कहां से कहां बढ़ाया है, क्या क्या नहीं हुआ बिहार में और क्या क्या नहीं हो रहा है। उनकी बात कहे तो घंटों बीत जाएंगे, बखान नहीं कर सकता, इमोशनल हूं, लेकिन आप जान लीजिए कि उन्होंने यदि अपना जीवन का कोई समय भी हो, एक क्षण भी हो, एक एक क्षण का वो मोल करते हैं और हर क्षण छोड़ते हैं, सोचते हैं कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का हर परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए हर क्षण वो लगे रहते हैं। अपना सब कुछ छोड़ करके कोई ऐसा मिलेगा, समाजवाद तो आपने सब जगह सुना, लेकिन असली समाजवाद कहां है? सब जगह परिवारवाद हो गया और यहां पर असली समाजवाद जिंदा है माननीय मुख्यमंत्री जी के बदौलत जी। हम लोग की पार्टी महात्मा गांधी जी के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के, अम्बेडकर साहब के, जयप्रकाश नारायण जी के और कर्पूरी ठाकुर के विचारों से चलने वाली पार्टी है। यहां के हर परिवार के सदस्य को देख लीजिएगा, उनका स्वभाव भी इसी तरह से है। जैसे नेता का स्वभाव है वैसे हमारे पार्टी के लोगों का स्वभाव है और उसी ढंग से चलती है। इतना वर्ष सत्ता में रहने के बाद आप किसी पार्टी में इस तरह से नहीं देखेंगे कि जो पार्टी का जो कार्यकर्ता इतना डिसिप्लिन है, इतना सहनशील है, ये अद्भुत है ये पार्टी। मैं इस पार्टी का नमन करता हूं।